हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक हैक में। तो दोस्तों, आज है मेरे पास यहाँ पे IQ का Z3 स्मार्टफोन और आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, आपको दूंगा अपने क्विक इंप्रेशंस। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने दोस्तों ये फ़ोन परचेस करा है इस ब्लैक कलर में। आपको यहाँ पे साइबर ब्लू कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और आप अगर फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक क्लियर TPU केस, ये आप देख सकते हैं। बाकी हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे Type-C केबल देखने को मिल जाती है, इसको भी अभी हम साइड में रख देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारा मेन स्मार्टफोन, इसको भी अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड में रख देते हैं। बाकी दोस्तों, बॉक्स में हमें एक 66 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ़ोन है वो सिर्फ और सिर्फ 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मैं सभी चीज़ों को एक बार साइड में रख लेता हूँ और आ जाते हैं अपने मेन स्मार्टफोन की तरफ। तो कुछ ऐसा आपको इस फ़ोन का फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट इंप्रेशन में कहना चाहूँगा, इसकी जो ग्लॉसी फिनिश है दोस्तों, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पे फ़ोन जो है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में भी, और वहीं अगर हम इन हैंड फील की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये जो फ़ोन है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, यहाँ पे आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे स्क्रैचेस काफ़ी ईजिली आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन को TPU केस के साथ ही यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू से। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम लॉकर्स। ठीक उसी के नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन, और इसी में आपको दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है सिंगल स्पीकर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन, और दोस्तों यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, हेडफोन जैक भी इन्होंने इंक्लूड करा है। लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों आपको पूरी क्लीन मिल जाती है, सिम ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है ऊपर की तरफ। तो चलिए जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाती है हाइब्रिड सिम स्लॉट, आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड इस फोन में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको TPU केस भी फ़ोन पे लगा के दिखा देता हूँ। तो TPU केस में भी दोस्तों कहना चाहूँगा फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम TPU केस की क्वालिटी की बात करें तो कहना चाहूँगा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर आपको यहाँ पे कैमरा में दिख रहा हो तो ये जो TPU केस है वो ज़्यादा ऊपर तक है, तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन स्क्रीन की तरफ से भी नीचे गिरता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो यहाँ पे बच जाएगी। UI की बात करें तो दोस्तों ये जो फ़ोन है वो रन करता है फनटच OS पे। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, आपको इसमें भर भर के ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। बट अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगी। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑप्टिमाइजेशन की या कितना फास्ट ये जो UI है वो वर्क करता है, तो यहाँ पे कहूँगा काफ़ी स्मूथ जो UI है वो वर्क करता है। तो ओवरऑल ये कहना चाहूँगा UI आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बस इसमें जो ब्लॉटवेयर ऐप्स हैं अगर वो नहीं होते तो मेरे को ये जो UI है वो काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस हमें इस UI की देखने को मिलती है। तो चलिए अब जल्दी से फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ओपन कर दे रहा है यहाँ पे फ़ोन को। और दोस्तों मैंने यहाँ पे नोटिस करा है लो लाइट परफॉर्मेंस में भी जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी अच्छी तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट आपको दोनों ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों 6.58 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। वहीं अगर कलर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे कलर्स ये जो डिस्प्ले वो प्रोड्यूस कर देती है। व्यूइंग एंगल्स भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, यहाँ पे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों यही कहना चाहूँगा, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलती है। और एक और बात आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो डिस्प्ले वो 120 हर्ट्ज़ के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और वहीं दोस्तों अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्पीकर्स की क्वालिटी को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, और सिंगल स्पीकर के हिसाब से दोस्तों कहना चाहूंगा जो क्वालिटी और लाउडनेस है वो एकदम बैलेंस है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लाउडनेस दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको एवरेज मिलती है, ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलती है। बैटरी दोस्तों इस फोन में हमें मिल जाती है 4400 mAh की, जिसको आप 55 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग की मदद से काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बैटरी और चार्जिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है।
कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों इस फोन का जो कैमरा वो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है। स्पेक्स की बात करें तो आपको 64+8+2 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेटअप रियर में और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीन पर आप इमेज सैंपल्स देख सकते हैं जो कि मैंने इसी फोन से क्लिक करे हैं और यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशंस में मेरे को जो इसकी इमेज क्वालिटी वो काफी अच्छी लगी है। बाकी दोस्तों आपको डिटेल्ड रिव्यू मैं एक दो दिन के बाद अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लास्ट दोस्तों बात करें फोन की परफॉर्मेंस के बारे में जो कि इस फोन की मेन हाईलाइट है, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर्स पे बेस्ड है, तो यहाँ पे काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर ही आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 5G रेडी प्रोसेसर है, तो आप इस फोन में 5G कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात बताना मैं यहाँ पे आपको भूल गया था, ये जो फोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, तो यहाँ पे ये भी आपको काफी अच्छी चीज मिल जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये जो फोन है वो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।